नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना काका दलित सिंह स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज की डेट में मतलब ये पता नहीं क्यों इस महीने इतनी ज़्यादा हैकिंग जो है हो रही हैं, इतनी ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर की बहुत ज़्यादा। मैं आपसे हर एक वीडियो में बोलता हुआ नजर आ जाऊँगी भैया आप अपने फंड को जो है स्प्लिट करके रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ पर आपका फंड रखा हुआ है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट या फिर वो एक्सचेंज या फिर वो वॉलेट एक साथ से हैक हो जाए। हालांकि डिसेंट्रलाइज चीज़ों को हैक करना, मैं वो बात करूँ वॉलेट की, पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जो चीज़ें बढ़ रही हैं एक तरफ वहाँ पर जो है अच्छाइयाँ बढ़ रही हैं तो वहाँ पर बुराइयाँ भी जो है बढ़ती हुई नज़र आती हैं। तो हैकर जो है कहीं ना कहीं उसका जो है अल्टरनेटिव, कहीं ना कहीं उसका तोड़ जो है एंटीट्यूड वगैरह कड़म सकड़म जो भी जैसे आप बोलोगे वो सारी चीज़ जो है यहाँ पर निकाल लेते हैं। अभी क्या है कि एक खबर सामने आई है, वो खबर क्या है कि यहाँ पर जो लूना था, हम सभी जानते हैं कि पहले लूना के साथ स्कैम हुआ, लेकिन अभी क्या है कि दूसरे लूना के साथ भी जो हमें स्कैम होता हुआ नजर आ रहा है। जो दोस्तों यहाँ पर लूना 2.0 था, जो दूसरा लूना बन के आया है, वो भी जो है हमें यहाँ पर हैकिंग का शिकार होता हुआ नजर आया है, स्कैम का शिकार होता हुआ नजर आया है। अब यहाँ पर पूरी की पूरी वेबसाइट जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट थी terra.money करके, वो जो है बिल्कुल से हैक हो चुकी है। यहाँ पर स्कैमर ने जो है बिल्कुल से स्कैम कर दिया है। अब यहाँ पर जो ऑफिशियल न्यूज़ आई है कि भैया मतलब टेरा की तरफ से उन्होंने बोला है कि भैया अभी क्या है कि हम उसको रिकवर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने क्या है कि वो साइट को अपने फंड को वो सारी चीज़ें थी वो उनको क्या है फ्रीज कर दिया है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको जो है बिल्कुल से हम अपने कंट्रोल में लेके आ पाएँ या फिर अपनी जो चीज़ें हैं वहाँ पर उनको जो है अनफ्रीज करके अपने पास लेके आ पाएँ। अभी सिर्फ और सिर्फ वो फ्रीज करने में कामयाब रहे हैं। अब देखना ये है कि कब तक वो फ्रीज करके रह पाएंगे, एंड ऐसा ना हो कि वो जो कंट्रोल है पूरा का पूरा फिर दोबारा से हैकर्स के हाथ में चला जाए। हालांकि हैकर्स के हाथ में ही है, लेकिन जो उनकी मनी जो सारी बहुत सारी चीज़ें उनको फ्रीज कर दिया है। देखो ये सारी चीज़ें इससे हमें पता चलता है कि भैया देखो ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट है, हालांकि टेरा भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था पहले वाला, अब दूसरा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें घटनाएँ हो रही हैं, कहीं ना कहीं कोई इंसान तो इनको टारगेट करके जो है ये सारी चीज़ें करता हुआ नज़र आ रहा है। मेरा सिर्फ और सिर्फ आपसे फिर दोबारा से बोलना यही रहेगा कि भैया आप अपने फंड को जो है स्प्लिट करके रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके फंड के साथ ऐसी जो घटना है ऐसे हो जाए, आपका फंड अलग अलग जगहों पर स्प्लिट करके रखा होगा, अलग अलग जगहों पर कहीं पर कितना कहीं पर कितना कहीं पर कितना, मार्केट के अंदर बहुत सारे एक्सचेंज हैं, बहुत सारे वॉलेट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आप जो है बिल्कुल से जितने मर्जी जगह पर स्प्लिट कर सकते हो। मैं बात करूँगी भैया देखो अगर टॉप 10 के भी आप जो एक्सचेंज ले लेते हो उन पर अपना फंड रखिए, उसके बाद में डिसेंट्रलाइज वॉलेट आ जाते हैं वहाँ पर भी अपना फंड रखिए, उसके बाद में अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत तरह की क्रिप्टो करेंसीज की कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाती हैं। कुछ कैटेगरी के टॉप टॉप कॉइन को उठा के अपने अपने फंड को वहाँ वहाँ पर लगा के देखिए, बाकी का आपका फंड है वो अभी क्योंकि क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट नहीं है इंडिया के अंदर तो आपका फंड चला जाएगा तो कुछ होगा भी नहीं, तो उस वजह से क्या है कि अपने फंड को थोड़ा सा बैंक में भी रखिए, अपना कैश फ्लो भी रखिए, जिससे कि आपको मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलती हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अगर आपके पास कैश फ्लो होगा तो, कैश फ्लो नहीं होगा तो वहाँ पर भी गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर भैया हैकिंग जो है जोरों शोरों से चल रही है, अपने फंड को जितना बचाया जा सकता है फालतू के लिंक से, फालतू के एडवर्टाइजमेंट से, फालतू की चीज़ों से, फ्री के पैसे से, फ्री की यहाँ पर गिफ्टिंग वगैरह से, इन सारी चीज़ों से बचिएगा। एंड यहाँ पर एयर ड्रॉप वगैरह यहाँ पर बिल्कुल तो मतलब आज की डेट में एयर ड्रॉप तो भूल जाओ, ओरिजिनल भी अगर आपको दे रहा है तो वहाँ पर भी क्या है कि वो साइट को हैकिंग करके फिर ओरिजिनल एयर ड्रॉप वगैरह ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सारी फ्री की चीज़ को आज की डेट में आप जो है भूल जाइए। जब तक कि कोई अच्छा रेगुलेशन नहीं आता है, जब तक कि यहाँ पर जो हैकिंग वाला सिस्टम है वो ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक कि आप उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं कर लेते हो, क्रॉस वेरीफाई करोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ रियल है कौन सी चीज़ यहाँ पर फेक है, उसके बाद ही जो है आप कोई भी एक्शन लीजिए, वरना उससे पहले जो है फालतू की चीज़ों से आप जो है दूर रहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको जो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक, इस चैनल पर इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलता हूँ नई वीडियो नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।